निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मसालेदार छोले रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है और हम सभी को छोले बहुत पसंद होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको छोले की रेसिपी बताऊँगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम छोले ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप के लगभग छोले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से सोक कर लिया है पानी में, और 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको सोक कर देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। छोले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है और साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में मैं 4 से 5 सीटी तक अपने छोले को अच्छी तरह से पका लूँगी। यहाँ पर मैं 2 छोटे छोटे स्माइल साइज के आलू ले रही हूँ और इनको भी हम इसके साथ में चढ़ा देते हैं और 3 से 4 सीटी आने तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं हमारे छोले अच्छी तरह से हो गए हैं कि नहीं। छोले हमारे बहुत ही अच्छे परफेक्टली कुक हो चुके हैं। मैं देख लेती हूँ इनको, ये बहुत ही अच्छी तरह से दब रहे हैं। आप देख सकते हैं छोले एकदम परफेक्ट कुक हुए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो हमने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम गर्म हो जाने देंगे और इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, डोंडा और शाह जीरा जैसी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से मसाले ऐड कर दीजिए, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून के लगभग है, और इसको मैं अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लूँगी। मसाले में बहुत ही अच्छा अरोमा आने लगे तब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। तो अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ लग रहा है, तो अब हम यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो ये 2 से 3 प्याज को मैंने पीस लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे भुनने तक। साथ में इसमें सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। अब 1 टेबल स्पून के लगभग मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, इससे इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। इन सभी मसालों को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक कि हमारे इसमें से तेल न रिड्यूस हो जाए तब तक हम अपनी प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज से अच्छी तरह तेल निकल गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर को पेस्ट बना लिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके साथ में मिक्स करके पका लेंगे, जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ना पक जाए और इसमें से तेल ना रिड्यूस हो जाए। आप चाहें तो कवर करके भी इसको पका सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको भून जाने देंगे। मसाला जितना ही अच्छा भुनता है उतनी ही अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह से भून रहा है। अब मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है तो मैं इसमें अब डाल देती हूँ हमारे उबले हुए जो 2 आलू थे, और इस छोले को भी हम इसमें डाल देंगे और सभी मसालों के साथ छोले को भी हम अच्छी तरह से मसालों के साथ कोट कर लेंगे। और जब तक कि थोड़ा सा इसमें भुना सा टेक्सचर ना आ जाए, छोले में भी हमारे मसाले अच्छी तरह से ना मिल जाए, तब तक हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इस तरह से अपने छोलों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके और हम इसको ढककर पका लेंगे। आप चाहें तो बिना ढके भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको ढककर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारे छोले अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसाला अच्छी तरह से रेडी हो गया है और इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट फ्लेवर आ रहा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना पतला ग्रेवी या कितनी थिन ग्रेवी चाहिए या कितना मोटा ग्रेवी चाहिए है, तो आप इस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना आपके स्वाद से हो। तो नमक हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर शुगर भी डाली है 1/2 टीस्पून के लगभग। अब मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दूँगी, ये 1 बड़ा चम्मच है। इसमें इससे बहुत ही अच्छी खटाई आ जाएगी। आप चाहें तो इमली का पल्प भी यहाँ पर डाल सकते हैं, मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला, छोले मसाला जो होता है वही मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारे छोले बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएं। तो कवर करके मैं इसको पका ले रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे छोले में कितना बढ़िया उबाल आ गया है। आप चाहें तो और ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी कर सकते हैं। तो सब छोले बनकर तैयार हो गए हैं।
तो हमारी सब्जी ठंडी होने के बाद बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।